दोस्तों आईपीएल साल 2023 का सीजन शुरू होने में अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है और बहुत जल्द अब हमें यहां पर दोस्तों साउथ अफ्रीका वाली टी20 लीग भी स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। सभी अपडेट्स हमारी फैंटेसी चैनल पर आती है तो नीचे लिंक है जाकर फॉलो कर लो। बात करेंगे केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में और यार आप सभी केकेआर की फैंस आर्मी को बता दें कि यार कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आई है बट एक मैनेजमेंट का कड़ा डिसीजन यहां पर गेंदबाजी को लेकर हुआ है। तो यार क्या है वो डिसीजन सब कुछ आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत मजेदार है, क्या फायदा क्या नुकसान केकेआर को होगा वीडियो में सारी बात करेंगे तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना आप सब लास्ट तक। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 में चाहेगी एक बार तो केकेआर की चैंपियन बने और एक बार एडीआर चैंपियन बने। आप कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या केकेआर और एडीकेआर दोनों चैंपियन बन पाएगा। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है शाकिब अल हसन को लेकर। तो यार शाकिब अल हसन को एक बार फिर से टीम केकेआर ने लिया है और ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जब शाकिब अल हसन साल 2011 में टीम के साथ जुड़े थे तो अगले ही साल से टीम की किस्मत बदलना शुरू हो गई थी। साल 2012 और साल 2014 दोनों बार चैंपियन बन गई। खैर अगर बात करें तो शाकिब अभी चर्चाओं के अंदर है। तो यार आपकी बेस्ट राइवलरी क्या है? इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं, मुंबई सीएसके वो भी बिल्कुल नहीं। दोस्तों शाकिब और एम्पायर आपकी बेस्ट राइवलरी होनी चाहिए। तो यार दोस्तों रिसेंटली बात करें तो शाकिब अल हसन एक बार फिर से हमें एम्पायर के साथ भिड़ते हुए नज़र आए और यार दोस्तों पहले भी इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाई गई हैं बट अब आप सब सोचोगे कि यार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई एम्पायर को ऐसे थ्रेटन या जो भी इनका मैटर है वो कैसे हो सकता है। तो यार बांग्लादेश के पास एक ही अच्छा प्लेयर है, अगर उसको भी बैन कर देंगे तो फिर बांग्लादेश जो अभी परफॉर्मेंस दे रहा है वो कैसे आगे दे पाएगा। बट ये तो बात हो गई कंट्रोवर्सी की जो शाकिब ने खुद के लिए क्रिएट की है। अब एम्पायर्स और शाकिब का रिश्ता बहुत शानदार है, आगे और लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलने वाली है। बट बात करें तो शाकिब अल हसन जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है उसमें यार कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं और ये कमाल का फॉर्म एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है टीम केकेआर के लिए, क्योंकि टीम केकेआर जरूर चाहेगी कि जो भी प्लेयर आए प्लेइंग 11 में अगर अपनी जगह बनाता है तो परफॉर्मेंसेस के बेसिस के ऊपर बनाए। आप कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या टीम केकेआर में शाकिब अल हसन को प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है या वो कुछ मुकाबले बाहर बैठेंगे। अगली अपडेट आ रही है बॉलिंग को लेकर। तो आप जानते ही हो कि यहां पर भरत अरुण टीम केकेआर के बॉलिंग कोच हैं बट अब पंडित जी के आने के बाद यहां पर दोस्तों बात करें तो फायदा वायदा कुछ नहीं होने वाला है। यानी फायदे की अगर बात करें तो यार अगर आप कोच के ज्यादा क्लोज हो तो वो कुछ नहीं चलने वाला है। अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो हमारे पास एक अपडेट आई है जिसके अंदर अगर आपकी परफॉर्मेंस नेट सेशन और प्रैक्टिस मुकाबले में अच्छी होगी खासतौर पर गेंदबाजी को लेकर तो ही आपका टीम में सिलेक्शन होगा। फिर चाहे वो वरुण चक्रवर्ती क्यों ना हो चाहे उमेश यादव हो, स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाएगी। हाँ शुरुआती मुकाबलों में तो सीनियर्स खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा बट जैसे जैसे मौका आगे बढ़ता जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं तो आप टीम में नहीं। भले ही आप सीनियर हो, यंगस्टर हो या कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हो, आप कमेंट करके जरूर बताओ कि ये जो गेंदबाजी वाला रूल है क्या ये बल्लेबाजी में भी करना चाहिए या बैटिंग तक ही अब इसको सीमित रखना चाहिए बॉलिंग तक ही। लास्ट अपडेट आ रही है वुमेन्स आईपीएल को लेकर। तो यार दोस्तों तारीख नजदीक आ गई है वुमेन्स आईपीएल की भी और देखना काफी दिलचस्प होगा कि वुमेन्स आईपीएल के अंदर कौन कौन सी टीमें होती है। यहाँ पर बात करें तो 5 से 6 टीमें होने वाली है। तो दोस्तों यही एंड करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।